जनता की रक्षा करने वाली पुलिस के हजारों कर्मचारी विगत 35 वर्षों से समानता की बाट जो रहे हैं और वेतन विसंगति से काफ़ी परेशान हैं और आला अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे लगभग 2500 कर्मचारी हैं जिनमें से 300 के लगभग तो इस इंतज़ार में रिटायर हो गए हैं कि उनकी सुनवाई होगी। कार्यपालिक एवं संवर्ग के ASI एम और SIM को कार्यपालिक बल के ASI एवं SI के समान वेतन भत्ते प्रदान नहीं किए जा रहे हैं, जिससे उनके अंदर असंतोष की भावना बन रही है। मध्य प्रदेश राज्य शासन के आदेश की दिनांक 5/11/1967 के द्वारा पुलिस विभाग के कार्यपालिक एम बल को पुलिस रेगुलर 1961 के अंतर्गत पुलिस बल में इनरोल्ड करते हुए कार्यपालक बल के समकक्ष रैंक और गणवेश प्रदान की गई थी, जिसके पालन में कार्यपालिक एवं संवर्ग के अधिकारी गणवेश धारण करते तथा समय समय पर कार्यपालिक बल के समान ही कानून व्यवस्था ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी तथा रात्रि गश्त में भी करते हैं। कार्यपालिक बल के समान ही इन्हें इनाम, सजा एवं मेडल की पात्रता भी है तथा प्रशिक्षण अकादमी में इन्हें बेसिक प्रशिक्षण भी कराया जाता है, किंतु इन्हें SI के समान वेतन भत्ते प्रदान नहीं किए जाते हैं। कार्यपालिक बल के समान वेतन भत्ते प्रदान किए जाने की मांग कार्यपालक एवं संवर्ग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा विगत 35-40 वर्षों से निरंतर की जा रही है। हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि अधिकांश जगह से सहमति मिलने के बाद भी उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, जिससे वे खासे परेशान हैं। मैं SK गुप्ता SIM पुलिस विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी हूं। हमारा वेतन विसंगति के संबंध में शासन से निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से। 1907 से हम कार्यपालिक एम के हमारे तीन जो निरीक्षक एम, DSP एम और सूबेदार एम, इन तीनों को तो 1907 से कार्यपालिक बल के समान वेतन दे दिया गया है। उसमें SIM और ASIM दो पदों को छोड़ दिया था। उसके संबंध में जो है छोड़ क्या दिया था वो प्रस्ताव में था, लेकिन किसी कारण से क्यों छूट गया हमको पता नहीं है। उसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं लगातार। उस संबंध में हमारे DGP महोदय ने भी अनुशंसाएं की है 2019 से दो तीन बार कि इन दो पदों को भी उसमें सम्मिलित करते हुए दे दिया जाए। बजट का जो पत्राचार हुआ है वित्त विभाग और गृह विभाग से कि इसमें बजट की क्या आवश्यकता होगी, कितना भार आएगा, तो वो भी DG साहब ने जो है अपने पत्राचारों के माध्यम से क्लियर कर दिया कि इसमें अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं होगी 1907 से इन दो पदों को उन्नत वेतनमान देने में। जो भी बजट वार्षिक जो मिलता है पुलिस विभाग को, उसी में इन पदों को देने में जो है वेतन देने में जो है समायोजन हो जाएगा। अलग से कोई बजट की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। हम लोग अनुशासन से बंधे हुए कर्मचारी हैं, ना हम हड़ताल कर सकते हैं, ना हम कोई धरना आंदोलन कर सकते हैं। हालांकि सेवानिवृत्त होने के बाद भी हम पूरा अनुशासन में रह करके अपनी बात शासन के समक्ष रखना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय और वरिष्ठ अधिकारियों से हमारा विशेष अनुरोध है कि हमको भी जो है इन दो पदों को जो है जो छूट गए हैं किसी कारण से, और फाइल भी शासन स्तर पर लगभग पूरा जो है पत्राचार सब हो चुका है, उसमें आदेश जारी भर होना है। तो यदि आदेश जारी हो जाए तो हम और हमारा परिवार आभारी रहेगा शासन का। अगर अभी जैसे आपकी मांग है, आप जो मांग रहे हैं अगर नहीं होती हैं पूरी तो आगे कुछ हड़ताल धरना नहीं, हम हड़ताल और धरना आंदोलन हमने अभी सोचा भी नहीं है इस संबंध में। हालांकि सेवानिवृत्त हैं हम, वो भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे हम अपनी बात बड़े मतलब जो है जीवन अनुशासन में गुजार रहे हैं। अनुशासन में रह करके हमारा अनुरोध है कि ये दो पदों को जो छोड़ दिया है इनको दे दिया जाए। माननीय न्यायालय में भी विभिन्न याचिकाएं जगह जगह लगी हुई है, जिसमें 16/8 को डिसीजन भी हुआ है ग्वालियर से, उसमें भी शासन को और गृह विभाग को आदेशित किया है कि इन पदों को भी जो है दे दिया जाए या विसंगति दूर की जाए, ऐसा उन्होंने लिखा है। तेरे नाम बताइए आपका। मेरा नाम सतवीर सिंह यादव, रिटायर्ड SIM पुलिस विभाग से। मेरा निवेदन शासन से और अधिकारियों से निवेदन है कि 5/11/1967 को जब कार्यपालिक एम पद की स्थापना की गई तो हमारा वेतन कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से ज़्यादा था, जो दिनांक 1/4/81 को कांस्टेबल से भी कम कर दिया गया है, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं बराबर और जिसके शासन से आदेश भी हो गए। और 1/9/2007 को शासन ने ही जो भी कार्यपालिक एम स्टाफ के पद थे
उनको एग्जीक्यूटिव के बराबर वेतन दे दिया गया है, केवल एसआईएम और एसआईएम को नहीं दिया गया है। तो हमारा निवेदन है शासन से कि भाई हमें भी दिया जाए, और इसके संबंध में न्यायालय से भी 16/8/2023 को आदेश हो चुके हैं कि भाई इनको भी दिया जाए। हमारे ज्ञापन दिया है किसी को? हम सभी अधिकारियों से मिल चुके हैं, सीएम साहब से भी हम मिल चुके हैं, सीएम साहब से भी 3 दफ़ा मिल चुके हैं हम 2018 से, और डीजीपी साहब से भी मिले हैं, फिर हम अपने जो गृह मंत्री साहब से भी 2-3 दफ़ा मिल चुके हैं, और फाइल चल रही बराबर शासन में फाइल चल रही, पर अभी तक आदेश नहीं हुए। मात्र उसमें संशोधन आदेश निकलना है कि 2012 में जो आदेश हुआ था इसमें 2 पद छूट गए थे, उनका आदेश निकलना है।